ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक ऐसे टाइम पे है जहाँ पे कार्तिक और दादी नायरा पे बहुत ही ज़्यादा खिंचती है, बहुत ही ज़्यादा उसे गलत बोलती है, और ये सब ना कार्तिक सुन के टॉलरेट नहीं कर पाता है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि दादी के रिमार्क से कि वो नायरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और वो नायरा को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। जी हाँ, वो नायरा के ऊपर अपना टॉर्चर बढ़ाई जा रही हैं, और दादी को मालूम है कि नायरा बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, तो दादी उससे कोई भी मौका नहीं छोड़ती है उसको इंसल्ट करने का, उसको बार बार जताने का, उसे सुनाने का। तो दादी चाहती है कि नायरा को गेस्ट के सामने भी दादी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। ये कार्तिक ऑब्जर्व करता है और वो ट्रूली नायरा की साइड ही लेगा, क्योंकि नायरा कभी गलत होती नहीं है। कार्तिक हमेशा अपनी बीवी का साथ, अपनी हमेशा नायरा का साथ देता है। तो कार्तिक को जब पता चलता है कि दादी के माइंड में क्या चल रहा है, और जो कि दादी नायरा कार्तिक को नहीं बताती हैं, तो ये कार्तिक को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस फील करवाता है, करवाया जाता है। कार्तिक को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस फील होता है कि दादी उसे क्या छुपा रही हैं। दादी आदित्य और मनीष के सामने नायरा की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे नायरा और कार्तिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर कार्तिक कैसे अपने दादी और नायरा के डिफरेंसेस दूर करने में हेल्प करेगा, या कैसे रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक ऐसे टाइम पे है जहाँ पे कार्तिक और दादी नायरा पे बहुत ही ज़्यादा खिंचती है, बहुत ही ज़्यादा उसे गलत बोलती है, और ये सब ना कार्तिक सुन के टॉलरेट नहीं कर पाता है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि दादी के रिमार्क से कि वो नायरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, और वो नायरा को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। जी हाँ, वो नायरा के ऊपर अपना टॉर्चर बढ़ाई जा रही हैं, और दादी को मालूम है कि नायरा बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, तो दादी उससे कोई भी मौका नहीं छोड़ती है उसको इंसल्ट करने का, उसको बार बार जताने का, उसे सुनाने का। तो दादी चाहती है कि नायरा को गेस्ट के सामने भी दादी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं। ये कार्तिक ऑब्जर्व करता है और